एक साल पूरे होने के उपरांत दोबारा कोरोना ने दस्तक दी है। इसके चलते दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई डीसीडी टीम बनी दिल्ली सरकार की कमाऊ और चहेती टीम। आपको बता दें कि कोरोना के चलते मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, परंतु ये जो टीम है कोरोना के चलते मास्क ना लगाने का चलान कर रहे हैं, वो भी 2,000 रुपए का चलान, जबकि इस बस के ड्राइवर का ये कहना है कि सभी सवारियों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन चलान काटने वाली टीम फिर भी इनका चलान काट रही है और चलान ना करवाने पर बस को बंद करवाने की धमकी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि ये टीम जबरन चलान काटकर सरकार का खजाना भरने में लगी हुई है। शायद सरकार ने यही जिम्मेवारी इनको दी हुई है कि आप लोग जाइए, धक्के से चलान काटिए और हमारा खजाना भरिए। इस बात की पुष्टि करने जब मीडिया की टीम डीसीडी के पास पहुंची तो उन्होंने चलान काटने को जायज बताया, लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि बस में इतने लोग बैठे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या? क्या इस टीम के लिए चालान काटना ज्यादा जरूरी है या सोशल डिस्टेंसिंग भी साथ में देखी जानी चाहिए थी या चाहिए है? देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। फॉलो क्या कर रहे हो आप? तो खाली 2,000 रुपए को फॉलो कर रहे हो, रेवेन्यू फॉलो कर रहे हो आप, सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे आप। सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया तो इस बात का तो जवाब नहीं है। इनके पास इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, लेकिन 2,000 रुपए काट के सरकार का रेवेन्यू फॉलो कर रहे हैं। क्यों सर, जनता में क्या संदेश जाएगा आपका? तो ये माने ग्रह धमका करके आप अपना रेवेन्यू करप्ट कर रहे हैं? मैंने किसी को डराया है या नहीं डराया? अब आपके सामने कह रहे सोशल डिस्टेंस हो गया, बंद करने की मैंने बात कही है आपने? आप कुछ भी कहोगे, आप कुछ भी कहोगे, आप कुछ भी कहोगे आप मान लेंगे। गाड़ी के पास मोड़ रहे थे, नहीं गाड़ी नहीं जाएगी ऐसे, या अपने शेख को बुला लीजिए यहाँ पे। अच्छी बात आ गई, शेख क्या करेगा, सोशल डिस्टेंस थोड़ी कर रहा है। शेख बना करे 2,000 रुपए तो पुलिस वाले बड़ी बात है ना, 2,000 रुपए में सोशल डिस्टेंस हो गया। मेरी सुनो सर, पुलिस वाले भी साथ में गए, मैंने कहा भाई क्या बात है आपको, मतलब क्या परेशानी है बताओ? पब्लिक वैसे भी परेशान है। मास्क चेक कर लिया आपने? मास्क चेक कर लिया, मास्क चेक कर लिया, मास्क चेक कर लिया था, मास्क लगा हुआ है सभी के, कोई बात नहीं। तो गाड़ी पर गाड़ी बंद भी हो सकती है, आप रैया तो बोला मेरे सर PDM मॉल पे भी गाड़ी रुकवाई थी हमारी, यहाँ पे वहाँ पे भी हमारे सेठ लोग खड़े थे, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं जाओ, हम बात कर रहे हैं लोगों से, फिर यहाँ गाड़ी रुकवाई। गाड़ियों के आगे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, बड़ी गाड़ी है, ब्रेक लगे न लगे डरान से गाड़ी उतर के आ रही है। चलो वो एक अलग मैटर है, अपना लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना है, इनका काम है पुलिस का, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम तो सब ये पूछ रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग क्या 2,000 रुपये से पूरा हो जाता है? कटने के बाद भी चालान दोबारा और कटेगा, आप लोग कह रहे हैं कि अभी दोबारा चालान कटेगा, दूसरी टीम आपको दोबारा पकड़ती है? ये बताओ तुम्हें धमका किसने? मुझे किसी ने नहीं धमकाया, कह रहे हो जो गाड़ी बंद करने के लोग कह रहे थे, हर रोज गाड़ियां रुकती हैं यहां। आप अपने हमें आपकी सर्टिफिकेट जुटनी है, हम अपना जब वायलर करेंगे फिर बात करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अपमेंट ये कह रहे हैं कि जो ये आप इनके कहने से कह रहे हो या आप कहवा ले रहे हो इनसे? मैं आपसे मैं अपने अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी भी ये बात कह रहे हैं ये कि ये ड्राइवर धरने से निकल जाए तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 50,000 का चालान हो जाए, हम अपना सीट भी बुला लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहे हैं 2,000 का चालान तो कट गया, अभी हम 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 5,000 का जितना कटेगा आगे जो भी हो। चालान काटा 2,000 रुपये, क्या कारण था? इसका कहना है कि मास्क सबके लगे हुए हैं, उन्होंने चेक भी किया था सीटिंग से ज़्यादा सवारी हुआ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ 2,000 रुपये का चालान काटने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग हो गया?
मुझे एक बार बताइए आपका नाम क्या है? रिंकू बात। रिंकू जी, क्या 2000 रुपए का चालान काटने के बाद इनके पास सवारी की स्पेस बढ़ गया या सोशल डिस्टेंस बढ़ गई, बताइए मुझे। सर गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं, 2000 रुपए का होगा चालान। लेकिन जो आपने बात अभी शब्द कही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ना पहनने का उसका चलान है? मास्क ना हो तो चलान है, सोशल डिस्टेंस ना हो तो चलान है। वही सवाल मेरा है, जो ये बसें जा रही हैं इनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? खाली 2000 रुपये चलान काटने बोल रहे हैं आप? सच्चे हैं? मैंने क्या बोला? आप सच्चे, हम झूठे? आपका नाम क्या है? सवारी बिना मास्क के भी सर? आपने ये पूछा बिना मास्क के भी थे? हाँ जी सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर ये बताइए, ये 2000 का चालान हो गया मेरा। कितने का? 2000 रुपये का। हाँ 2000 रुपये का। इसके बाद डिस्टेंस हो? 2000 का जो हुआ है उसके बाद जो है आप अभी जो आप अभी हमें आप अपनी बस दिखाएंगे, ठीक है? बस में सीट से एक भी सवारी ज़्यादा मिले तो फिर से चालान कटेगा और 2000 के बजाय अब 4000 का कटेगा। ये नियम है, ये दुगना काटने का नियम है। ये परिवहन 2000 का भी तो आप लोगों ने काटा है ना? इसे अगर दोबारा करते हैं, ये 2000 का भी तो आप लोगों ने ही चालान काटा है ना? अभी काटा है सर, हमने काटा है, इनका काटा है ना? हाँ अभी अभी काटा है सर ने, काटा है 2000 का। काटने के बाद अभी दोबारा और कटेगा? आप ये मतलब कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, क्या उससे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है? तो आपको गाड़ी बंद करने का प्रावधान है आपके पास? प्रावधान है कि गाड़ी बंद कर सकते हैं। अभी सर बोल रहे हैं, मैंने बोला मतलब के सर क्या बात है बताइए। बानी भाई मास्क चेकिंग किया पुलिस वाले अंदर, मास्क लाई पहले भाई के साथ गाड़ी बता रहे थे, ये बता रहे थे मास्क लेकर आपकी गाड़ियाँ हैं, चेकिंग कर रही है। मैंने अपने सेठ जी को भी बोला, बात कराई, उन्होंने फिर भी यही कहा कि तीन अधिकार मई के साथ भी चेकिंग है, ठीक है। सर मई से साहब कौन? आप मई से हैं? आप तो मई से हैं? चेन्नई एनफोर्समेंट ऑफिसर चाहिए यार, कोविड 19 एनफोर्समेंट ऑफिसर। मई से और दोनों में अंतर आ गया ना? वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने जो बातें कही है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने वाले, बसें बंद करने वाले, क्या बस बंद करना हमारा काम? क्या है? खेम सिंह है सर मेरा नाम। खेम सिंह जी, आप यहाँ बस रोक के क्यों खड़े हो? ये कोरोना वालों ने रोका है, बोल रहे हैं ये डिस्टेंसिंग का चालान होगा और सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, और मास्क लगाने के बावजूद भी जबरदस्ती 2000 का हमें चालान थमाया गया है। कौन सा चालान? क्यों, क्या कह के काटा है? बोल रहे हैं ये चेकिंग है, नहीं तो गाड़ी भी बंद कर दें। उन लोगों का सरकार है, ये ऐसे ही रोक देते हैं, हर चक्कर गाड़ी रोकते हैं। 10-15 दिन तो बीच में बंद हो गया था ये, फिर दोबारा से ये लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं और मास्क भी लगा रखे हैं हम, और पूरी गाड़ी में इन्होंने चेकिंग भी किया है। आपकी मास्क लगवा सकते हैं? सभी के मास्क लगे हुए हैं, इन्होंने चेक भी किया है पुलिस वालों ने। बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, चालान होगा। हमारी सेठ जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा आप क्यों कर रहे हो, आप कहाँ लॉकडाउन? वो बोले नहीं नहीं ये होगा नहीं तो गाड़ी भी बंद कर सकते हैं। गाड़ी भी बंद होगी जी? तो गाड़ी बंद करने की इनके पास अथॉरिटी है? बोल रहे हैं SDM से बात कर लो, ये कर लो, किसी से भी बात कर लो आप, और चालान करना पड़ेगा। ये गाड़ी किसकी है? आपकी है? हाँ जी, सेठ जी की, हमारी सत्येंद्र जी और सोनी जी। आप खुद चलाते हो गाड़ी? क्या हो रही है? ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हो? हाँ जी। जुर्माना भी हो गया और पब्लिक को इस बात में जो 2000 रुपए निकलेंगे तो वो रूल फॉलो करेगा। जब ये नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जी थैंक यू सर, आज के लिए हमारा आपके पास टाइम जितना था उतना आपको दे दिया, बाकी ड्यूटी करते हैं हम, ऑन ड्यूटी है। तो दो की जगह 4000 का भी कट जाएगा, कह रहे थे कि कट सकता है, सकता है अगर दोबारा टीम पकड़ी तो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 रुपये चला होने के बाद क्या सोशल मेंटेन हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है? ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए कोई प्रावधान थी? आपने अपने ऑफिसरों से बात की है कि इसको प्रावधान को कैसे मेंटेन किया जाए? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। आप इस बारे में जाकर के DDM में अथॉरिटी जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं आप उनसे सवाल कीजिए। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स एंड वी आर फॉलोइंग द हमसे डायरेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि हमें फाइन करना है।
जब फाइन होगा उसके वही 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 मैं कह रहा हूँ, फाइन करेगा, रेवेन्यू क्रिएट करना है सिर्फ, ये क्यों कर रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। ये आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो तो देख जिनसे आप जाके पूछ रहे हो, आपसे चेयरमैन साहब से मिल लेंगे, हम बात करेंगे, आप हमसे ये क्वेश्चन नहीं करें, गाजीपुर से ब्यूरो चीफ मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं अपने ए मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले है, ढाई तीन महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ ढाई तीन महीने, ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने, जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील